सो हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू द सीरीज ऑफ यूपीएससी GS2। इस सीरीज में गाइस हम कवर कर रहे हैं GS2 का कंप्लीट सिलेबस थ्रू डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 एंड आई होप आपको वो एक्ट क्लियर है। उस एक्ट में, उस सेशन में हमने उस एक्ट के बैकग्राउंड के बारे में समझा था, उसके प्रोविजंस जाने थे, उसके क्रिटिसिज्म जाने थे। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम बात करेंगे पिच इंडिया एक्ट 1784 की। तो सबसे पहले हम आज भी बात करेंगे कि पिच इंडिया एक्ट 1784 क्यों आया था, फिर हम चलेंगे कि उसके प्रोविजंस क्या थे, और लास्ट में हम बात करेंगे कि उसके ड्रॉबैक्स क्या थे या उसके क्रिटिसिज्म क्या थे। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन, बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू आर कमिंग हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन सो दैट यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द लेटेस्ट वीडियोस। सो लेट्स टॉक अबाउट द पिच इंडिया एक्ट 1784। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पिच इंडिया एक्ट 1784 क्यों लाया गया था। तो अगर आपको याद है, जो हमने कल के सेशन में पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे, उसके कुछ क्रिटिसिजम्स थे, उसके अंदर कुछ कमियां थी। तो उन कमियों को दूर करना जरूरी था या नहीं था, उन कमियों को दूर करने के लिए पिच इंडिया एक्ट 1784 को लेके आया गया। ऑलराइट, एंड मैं आपको कुछ कमियां याद दिला देता हूँ, एंड अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो प्लीज गो टू द चैनल और वो सेशन देखो जाके पहले, तभी आपको पिच इंडिया एक्ट 1784 समझ में आएगा। अदरवाइज कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी तो आपको ये एक्ट समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके रेगुलेटिंग एक्ट वाली वीडियो देखो फिर वापस आओ। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कुछ कमियां थी जो मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट में ये था कि जो गवर्नर थी और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके बीच की जो पावर्स थी उसके बीच में प्रॉपर डिमार्केशन नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि गवर्नर जनरल के पास कोई वीटो पावर नहीं थी, और जिसकी वजह से जितने भी डिसीजंस थे वो सबके सब कौन लिए जा रहे थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग। दूसरा उसका सबसे बड़ा दिक्कत और क्रिटिसिज्म या ड्रॉबैक आप कह सकते हो वो ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसकी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में कुछ भी लाइंस डिसाइड नहीं थी कि ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक होगी, किस तक होगी, कौन से लॉ फॉलो किए जाएंगे। तीसरा उसका दिक्कत ये था कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे उनके ऊपर करप्शन की बात तो करी गई थी, बट उनके खिलाफ कोई स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस की बात नहीं की गई थी कि अगर कोई ऑफिशियल करप्शन में इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे इन द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और इन सभी ड्रॉबैक्स को खत्म करने की कोशिश की गई बाय द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। एंड रिमेंबर द पिट्स, ये जो पिट्स है यहाँ पे, ये कौन है, ये जो एक्ट है इट वॉज नेम्ड आफ्टर द देन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, उस समय जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, विलियम पिट द यंगर। राइट, सो ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश एट दैट टाइम, एंड उनके नाम पे ही इस एक्ट का नाम रखा गया था। एंड जो दूसरा रीजन था ऑफ इनएक्टिंग दिस एक्ट वॉज टू हैव सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो जैसा कि हमें पता है कि कंपनीज रूल जब से स्टार्ट हुआ था उसके बाद से ही जो ब्रिटिश क्राउन है उसने धीरे धीरे कंपनी के ऊपर अपना जो रूल है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया था, कंपनी के ऊपर जो कंट्रोल है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले शुरुआत हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट से, उसके बाद थोड़ा सा और कंट्रोल बढ़ा दिया गया बाय दिस पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो ये था इसके लाने का रीजन कि इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को क्यों लाया गया। सबसे पहला रीजन ये था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी कमियां थी, जो भी शॉर्टफॉल्स थे, जो भी शॉर्टकमिंग्स थे, उनको दूर करना था। दूसरा था कि वो कंपनी के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल जमाना चाहते थे, यानी कौन, ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी के अफेयर्स को और ज्यादा कंट्रोल करना चाहता था, रेगुलेट करना चाहता था, जिसकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को इंप्लीमेंट किया गया। एंड नाउ बात करते हैं इसके प्रोविजंस की। सो पिट्स इंडिया एक्ट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो हमें ध्यान में रखने, और ये बहुत ईजी सा एक्ट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रोविजन नहीं है डिफिकल्ट से, तो दो चार हैं प्रोविजन, बस वो करके छुट्टी। सो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एक्ट की ये थी कि सबसे पहली बार इस एक्ट में कंपनी की जो टेरिटरीज थी इंडिया में, द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड एज द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। कंपनी की टेरिटरीज इंडिया में जो थी उनको सबसे पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया इंडिया में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और इससे जो है और रास्ते खुलते चले गए ब्रिटिश पावर की इंडिया में आने की, यानी कि जो ब्रिटिश का कंट्रोल है वो इंडिया में उसकी कंट्रोल की एनहांसमेंट के जो और दरवाजे थे वो खुलते चले गए। दूसरी बात, इस एक्ट में ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की स्थापना की गई बाय एस्टैब्लिशिंग अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऑलरेडी था, जो कंपनी
के जो सीनियर थे, जो कंपनी को चलाने वाले लोग थे, उनको क्या बोला जाता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अलावा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एस्टैब्लिश और किया गया। नाउ अब ये कहा गया इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दैट ओके यू विल मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो कौन, वो क्या मैनेज करेंगे? पॉलिटिकल अफेयर्स इन इंडिया। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि अब आपको कोई भी पॉलिटिकल अफेयर मैनेज नहीं करना, यू विल ओनली डील विद द कमर्शियल अफेयर्स। आपको केवल कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करना है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल अब क्या करेगा? पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की स्थापना की गई बाय द स्पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कैसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या देखेंगे? कमर्शियल अफेयर्स देखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे बाइफर्केशन कर दिया गया बिटवीन द पॉलिटिकल अफेयर्स एंड द कमर्शियल अफेयर्स एंड द टू बॉडीज। और इसी के साथ दो बॉडीज बन गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ऑलराइट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं बनाई गई। नाउ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसमें कौन कौन थे? एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, चांसलर ऑफ द एक्सचेकर एंड फोर प्राइवी काउंसिलर्स। इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दैट हु आर द प्राइवी काउंसिलर्स वो एक अलग टॉपिक है, तो उसको हम अलग टॉपिक में समझेंगे। सो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैड सिक्स मेंबर्स, देयर वर सिक्स मेंबर्स इन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। व्हाइल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो ऑलरेडी चला आ रहा था, उसमें कितने डायरेक्टर्स थे? 24 डायरेक्टर्स थे। तो ठीक है, यहां तक दो बातें अभी तक क्लियर हो गई कि जो कंपनी की टेरिटरी थी इंडिया में उनको पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया, और दूसरी बात क्या हुई कि ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की एस्टैब्लिशमेंट हुई बाय एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑलरेडी था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोला गया कि आप पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करोगे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बोला गया कि आप जो है कमर्शियल अफेयर्स मैनेज करोगे। ऑलराइट, तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस एक्ट की यह है कि जो काउंसिल की स्ट्रेंथ है उसको घटा के 4 से 3 कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वहां तक जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ थी वो थी 4 मेंबर्स की, जिसकी वजह से हमेशा टाई होता रहता था। और क्योंकि गवर्नर जनरल के पास वीटो वोट या कास्टिंग वोट नहीं था, तो कुछ डिसीजन जो है वो टाई में ही रह जाते थे। तो काउंसिल की स्ट्रेंथ को घटा के कितना कर दिया गया? 3 मेंबर कर दिया गया। अब 3 मेंबर कर दिया गया तो चौथे गवर्नर जनरल भी तो हो गए। अब गवर्नर जनरल को कहा गया कि ओके आपके पास कास्टिंग वोट भी होगा, कि अगर फिर से अब तुम 3+1 ये 4 हो गए, फिर से 3+1 4 हो गए, अब फिर से टाई के सिचुएशन आ सकती है। लेकिन अब गवर्नर जनरल के पास एक कास्टिंग वोट दिया गया कि अगर टाई होता है तो आपका जो वोट होगा वो डिसाइड करेगा डिसीजन को। तो यहां पे गवर्नर जनरल के पास जो बिल्कुल भी पावर नहीं थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, थोड़ी सी पावर दी गई। ऑल्दो यहां पे कंप्लीट वीटो नहीं दिया गया, कंप्लीट वीटो नहीं दिया गया, ये सिर्फ एक कास्टिंग वोट था। यानी कि काउंसिल की अगर स्ट्रेंथ बन गई है किसी पर्टिकुलर डिसीजन के टूवर्ड्स, तो उसमें गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर सकते थे। ठीक है, वो उनका केवल कास्टिंग वोट था इन केस ऑफ टाई। ऑलराइट, ऑल्दो इससे काफी ज्यादा खुश हुए थे गवर्नर जनरल उस समय, उनको इतना ही मिल गया वो भी बहुत था। इसके अलावा अगले प्रोविजन की बात करें तो अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो गवर्नर थे बॉम्बे और मद्रास के, उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। लेकिन तब भी वो वॉर करे जा रहे थे, वो अनेक्सेशन करे जा रहे थे, वो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करे जा रहे थे। तो इस एक्ट के बाद गवर्नर ऑफ बॉम्बे मद्रास के बाद पूरी की पूरी इंडिपेंडेंस उनसे छीन ली गई। उनसे बोला गया कि आप किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप किसी भी तरीके के एनेक्सेशन में नहीं जाओगे, आप किसी भी तरीके का कब्जा नहीं जमाओगे किसी भी टेरिटरी पे, आप सिर्फ वही करोगे जो आपको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द्वारा बताया जाएगा या जो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो भी आदेश या ऑर्डर दिए जाएंगे दैट यू वुड हैव टू फॉलो। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अपने मन से। ऑलराइट, एंड देन लेट्स मूव अहेड टू द वेरी लास्ट प्रोविजन एंड द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। इस लॉ में ये बोला गया, इस एक्ट में ये बोला गया कि ऑफिशियल्स जो है उनको अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ऑफिशियल्स कौन से ऑफिशियल्स हैं? ये कंपनी के ऑफिशियल्स, जो कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स होंगे या कोई भी ऑफिशियल होगा, उनको अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना होगा विद इन 2 months ऑफ ज्वाइनिंग। 2 महीने के अंदर अगर वो कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उसके 2 महीने के अंदर उनको अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं करेंगे तो उसके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट का प्रोविजन लाया गया इस एक्ट में, जो कि बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड था। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में ये तो बोला गया कि आप ब्राइब्स नहीं लोगे, आप गिफ्ट नहीं लोगे, आप करप्शन नहीं करोगे, बट बोलने से कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स पनिशमेंट जब तक नहीं होगी किसी एक्ट के लिए, किसी क्राइम के लिए, तब तक वहां पे कोई भी जो एक्ट है वो फुल ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ओके, सो डिस्क्लोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑफिशियल्स, 2 महीने के अंदर कंपनी के ऑफिशियल्स को अपनी प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना था, और अगर वो नहीं कर पाते तो उसके लिए सिवियर पनिशमेंट का प्रावधान लाया गया, प्रोविजन लाया गया फॉर दी करप्ट ऑफिशियल्स। ऑलराइट, सो गाइस दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ फिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। आई होप ऑल द प्रोविजंस आर क्लियर।
एक बार मैं फिर से जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सबसे पहले कंपनी टेरिटरीज ऑफ इंडिया को सबसे पहली बार बोला गया ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। दूसरी बात की गई कि ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बात की गई, जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहा गया दैट यू विल मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स व्हाइल द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स विल मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। इसके अलावा द बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैड 6 मेंबर्स व्हाइल द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैड 24 मेंबर्स। द काउंसिल स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस्ड टू 3 मेंबर्स एंड द गवर्नर जनरल वाज असाइंड अ कास्टिंग वोट। गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट असाइन कर दिया गया, काउंसिल की स्ट्रेंथ घटा के 3 मेंबर्स की कर दी गई, जो कि पहले कितनी थी 4। तो गवर्नर जनरल की जो पावर थी उसको थोड़ा सा इनहेंस किया गया। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को बोला गया कि आपके पास अब किसी तरीके की कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, यू वुड हैड यू विल नॉट इन्वॉल्व योरसेल्फ इन एनी काइंड ऑफ वॉर इन एनी काइंड ऑफ एनेक्सेशन, यू विल फॉलो व्हाट इज ऑर्डर्ड फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड और फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देन फाइनली ऑफिशियल्स को बोला गया दैट यू हैव टू डिस्क्लोज योर प्रॉपर्टी विद इन 2 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग द कंपनी, अदरवाइज यू विल बी पनिश्ड सिवियरली, और आपको आपके करप्शन के लिए पनिश किया जाएगा सिवियरली। ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। एंड नाउ लेट्स कम टू द ड्रॉबैक्स। अब ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स कोई भी एक्ट है तो उसका ड्रॉबैक होगा कुछ ना कुछ, या नहीं भी होगा तो हम निकाल लेंगे जबरदस्ती, मैंने आपको बताया भी था। तो पहली बात तो यह है कि ये एक्ट फिर से फेल हो गया रिगार्डिंग डिसाइडिंग द प्रॉपर डिमार्केशन बिटवीन द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द गवर्नर जनरल। पहले क्या था रेगुलेटिंग एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल और उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच की जो पावर और फंक्शंस है वो डिसाइड नहीं हो पाई थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में ओवरलैपिंग पावर्स थी, गवर्नर जनरल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में ओवरलैपिंग पावर थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और गवर्नर जनरल के बीच में ओवरलैपिंग पावर थी। तो बेसिकली हुआ ये कि कोई डिमार्केशन नहीं थी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन स्टेट क्रिएट हो गई। दूसरी चीज, गवर्नर जनरल हैड टू सर्व बोथ ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश। हाउ, कैसे, ये कैसे, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसकी जो जवाबदेही थी, उसकी अकाउंटेबिलिटी थी, वो सीधा कहां पे थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश क्राउन को, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी। तो गवर्नर जनरल तो दोनों का हेड था, गवर्नर जनरल को दोनों को सर्व करना पड़ रहा था, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को भी और ब्रिटिश क्राउन को भी। और तीसरा जो इसका ड्रॉबैक है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में को एलेज किया गया दैट देयर इज सम काइंड ऑफ नेपोटिज्म गोइंग ऑन देयर। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को एक बहुत बड़ा, एक ह्यूज सक्सेस नहीं माना जाता। और एक इसका ड्रॉबैक और था कि हालांकि यहाँ पे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट रखी गई थी फॉर कंट्रोलिंग द करप्ट ऑफिशियल, बट वो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट स्टिल काफी नहीं थी टू कंट्रोल द करप्शन विद इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हालात है वो और ज्यादा खराब होती चली गई थी डे बाय डे। सो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स। नाउ एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन थी उसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं की गई थी, तो वो इस एक्ट ने कैसे खत्म करी। तो लेट मी टेल यू, एक इस एक्ट से पहले एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 1781 का, अमेंडमेंट एक्ट आया था एक 1781 का। इस अमेंडमेंट एक्ट 1781 में जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड ड्रॉबैक्स थे, जो लूप होल्स थे, उसको खत्म कर दिया गया था। एंड दिस अमेंडमेंट एक्ट 1781 इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, अगर कभी जरूरत पड़ेगी, अगर कभी आगे सुप्रीम कोर्ट की बात हम करेंगे तो वी विल डिस्कस इट इन ब्रीफ। ओके, तो अमेंडमेंट एक्ट 1781 के थ्रू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और यू कैन से the loopholes in the regulating act 1773 regarding the jurisdiction of supreme court was removed. okay, jo bhi loopholes the unko khatam kar diya gaya tha. so guys, this was about the session. i hope the pitts india act 1784 is clear, and in the next session, that is on the next saturday, i will bring to you all the charters act. agle session mein hum padhenge jitne bhi charters act hain, charo 1793, 1813, 1833 and 1853. नाउ बिफोर एंडिंग द सेशन, एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जाना चाहता हूँ। अब हमने पढ़ा था पिछले सेशन में कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दैट वॉज फॉर्म्ड बाय अ चार्टर ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ वन। एक चार्टर से शुरू हुआ था, यानी कि एक चार्टर एक्ट आया था 1600 में, उसके बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और उसी चार्टर को फॉलो करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी फंक्शनिंग को कैरी फॉरवर्ड करती थी। तो क्या अगला चार्टर सीधा 1793 में आया होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक चार्टर 193 इयर्स तक थोड़ी ना चलेगा, बीच में और भी चार्टर आए होंगे। तो सवाल यह है कि हम चार्टर एक्ट को पढ़ना 1793 से ही क्यों शुरू करते हैं, और हम केवल यही चार्टर एक्ट क्यों पढ़ते हैं, इससे पहले के चार्टर एक्ट कहां गए उसके बारे में हम बात क्यों नहीं करते। तो इसका जवाब मैं आपको अगले सेशन में दूंगा, जब हम डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट के बारे में। ऑफकोर्स इसके अलावा भी आपने चार्टर एक्ट के बारे में सुना जरूर होगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा सवाल यह है कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर एग्जाम में इन्हीं चार्टर एक्ट की बात करते हैं, इन्हीं चार चार्टर एक्ट की, तो ऐसा क्यों?
राइट, सो गाइज दैट्स इट फॉर द सेशन, मिलते हैं अगले सेशन में विद ऑल द फोर चार्टर एक्ट्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.